हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो डिस्कस करेंगे इसमें हम एम जी टू को जो कि है आपका ब्रिटिश ड्रामा सो so, अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो ये जो पेपर है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ड्रामा की लाइंस गिवन होती हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट और उसका आपको एक एनालिसिस देना होता है एक स्मॉल uh, व्यू कह सकते हैं और एक एनालिसिस कह सकते हैं आप जिसका सेकेंड क्वेश्चन होता है वहाँ से लेके और जिसका लास्ट क्वेश्चन होता है हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिलता है आपको सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ एवरी पर्टिकुलर यूनिट तो इसमें हम यूनिट यूनिट और ब्लॉक वन टू और थ्री को डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यू कॉन्ट स्किप दिस वीडियो सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आंसर्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे इगनो बुक्स में मिल जाएंगे अच्छे अच्छे नोट्स के साइड्स या लाइक्स पार्क नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे सो क्वेश्चन नंबर वन इज एग्जामिन डॉक्टर फोर्टेज एज अ स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद रेफरेंस टू द क्रिश्चन फेथ सो so, क्रिश्चियन का जो फेथ था वो क्या होता है कि जब कोई भी अपनी इनर पावर को या फिर आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ का मिस यूज़ करता है जब अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है सो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन फेथ और बिलीव उसका जो डाउनफॉल होता है वो ज़रूर होता है तो सेम एज़ इन दिस प्ले डॉक्टर फोस्टिस तो इसमें जो क्रिस्टोफर मार्लो जिन्हें इसको लिखा है इस प्ले को ये आपको पता होना चाहिए तो इसमें लास्ट में क्या होता है डाउनफॉल होता है और जो स्प्रिट्स हैं जितनी भी स्प्रिट्स होती हैं क्योंकि उसने गुड और बैड दोनों एंजल्स होती हैं उसके पास लेकिन वो किसको चूज़ करता है बिकॉज ऑफ बैड एंजल बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल बेनिफिट्स तो <coughs> तो ये इस तरीके से कंप्लीट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका डॉक्टर फोस्टस से ये ये सारे क्वेश्चंस की ट्रेजेडी बतानी है रेनेसा की और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है कि ट्रेजेडी क्या है या ट्रैजिक किस तरीके से है या डाउनफॉल क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जाम डॉक्टर फोस्टेस एज अ ट्रेजडी ऑफ ह्यूमन हीरोइजम सो किस तरीके से एक ट्रेजडी नज़र आती है इस कंप्लीट प्ले में बिकॉज कम्पलीट प्ले इज़ मूविंग अराउंड द प्रोटॉनिस्ट डॉक्टर फोस्टेस क्योंकि वो एक वर्क uh, करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज़ बियोर द नेचर एंड नेचर विल नॉट अलाउ कि जो एक ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको किस तरीके से बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए एंड द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन मेकिंग डिसाइडेड बाई द गोड नॉट द ह्यूमन सो इस तरीके से उनका जो डाउनफॉल uh, है वो प्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन नंबर फोर इज एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ ट्रैजिक फ्लोज विध रेफरेंस ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजडी बिकॉज दिस ट्रेजडी दिस प्ले इज नॉट ओनली अ प्ले दिस इज अ ट्रेजिक प्ले एंड दिस वॉज रिटिन इन द टाइम ऑफ एलिजाबेथन जो वहाँ की जो क्वीन थी वो एलिजाबन थी डेट्स वाई इज कॉल्ड द एलिजाबेथन ट्रेजडी सो इसको एक्सप्लेन करना है घुमा फिरा के एक ही बात है कि जो उनके ट्रैजिक फ्लोज हैं ड्रो ट्रेजडी है उसको एक्सप्लोर करना है इन दिस क्वेश्चन शॉर्ट नोट आ जाता है डॉक्टर फोस्टिस के ऊपर क्या द स्प्लिट पर्सनालिटी ऑफ डॉक्टर फोस्टिस अः स्पलिट पर्सनैलिटी वाई हेयर द नावलिस्ट और ड्रामेटिस्ट कॉल द स्प्लिट पर्सनालिटी बिकॉज वन साइड डॉक्टर फोस्टिस वांट्स टू चूज और टू सेपरेट विद एविल angel he don't want to make any monster uh, he just wants to uh, make a man and he wants to become a master of a of a man but unfortunately he made something uh, uh, he made something very worst so is cheez ko yahan pe two personalities thi. like one sided he was a good and another side he was a bad and taken side of evil angel सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डि डॉक्टर फोस्टेस एज अ ट्रैजिडी आप रिपीट कर रहे होंगे कि बार बार ट्रैजडी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है समटाइम्स इट आस्क लाइक क्रिटिकलीस एनालिसिस द डॉक्टर फोस्टस एज अ ट्रैजडिक प्ले और समटाइम्स इट आस्क लाइक डिसकस क्रिस्टोफर मार्लोज वर्क डॉक्टर फोस्टस एज अ ट्रैजिक ट्रेजिडिक कॉमेडी और ट्रैजिक ड्रामा और प्ले तो इस तरीके से क्वेश्चन बार बार ट्रेजडी को लेके बिकॉज उनका डाउनफॉल है उसी चीज को इलाबोरेट किया गया है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ एलिजाबेथ एंड ट्रेजडी अगेंस्ट दोबारा से फोकस किया गया है ऑन करेक्टर नोटमस्टांसिस कमेंट करना है शॉर्ट नोट लिखना है आपको मेस्टो फिलिस पे मेफेस्टोफिलिस्टेस्टोफिलिस्ट आपको पता होगा उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है क्वेश्चन नंबर नाइन डॉक्टर फोर्ट अटेम्प्ट टू द डिपार्ट फ्रॉम द कॉमेडी Uh, किस तरीके से वो एक कॉमेडी से अलग है सेपरेट है ऑफ एवल टू बिकम अ ट्रैजिडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज़म ये जो क्वेश्चन है ये कुछ कुछ क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह ही डील करता है लाइक क्वेश्चन नंबर थ्री था क्रिटिकली एग्जाम इन डॉक्टर फोस्टेस इज द ट्रैजिक ऑफ ह्यूमन हीरोइज़म नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर फोस्टेज अटेम्प्ट टू डी पार्ट ऑफ कॉमेडी डू यू एग्री इसके आपने रीजन देने हैं फेवर और इन फेवर में यू हैव टू कम्प्लीट योर आंसर वन एवर एग्जामी क्वेश्चन रिलेटेड लाइक इन फेवर और अगेंस्ट द फेवर सो यू हैव फुल पावर यू हैव फुल कैपेसिटी टू इलाबोरेट योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू एंड जस्टिफाई इट विद द गिविन एग्जाम्पल ऑलवेज टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द पर्टिकुलर नोवेल अगर नोवेल है तो नोवेल से दीजिए पोइट्री है तो पोएट्री सेशन से दीजिए और ड्रामा है तो ड्रामा के उस इवेंट को डिस्कस कीजिए जहाँ से आप अपने आंसर को जस्टिफाई किया है लास्ट क्वेश्चन uh, है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ ऑफा इन ग्लो ग्रोथ ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा कि रेनेसा का क्या इफेक्ट क्या पड़ा किसकी ग्रोथ पे जो एलिजाबैथन टाइम पे ड्रामा हुआ उसका क्या रोल रहा नाउ अब जो क्वेश्चन ब्लॉक नंबर वन था जो आपका था डॉक्टर फोसेस एंड दिस वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो वो फिनिश होता है उसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको हमने डील कर लिया है शॉर्टली बोलू तो वो एक ट्रैजिक ड्रामा है उसको डिस्कस कीजिए ये सबसे मोस्ट वांटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन दैट ब्लॉक नाउ वी हैव ब्लॉक नंबर टू ब्लॉक नंबर टू का नाम है आ मिड ड्रीम्स बाय शेक्सपियर एंड ये शेक्सपियर जिन्हें लिखा है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं वॉट इज द लिंक बिटवीन द मेन प्लॉट एंड द मैकेनिकल्स प्लेज इन मिड समर नाइट ड्रीम तो उस चीज़ को आपको इलाबोरेट करना है कि कौन सी कहाँ पे कहाँ पे इसमें इन चीज़ों को इलाबोरेट किया गया है जो मिडनाइट मिड मिड समर नाइट्स ड्रीम का ये जो प्ले है ये सारी जो चीज़ें हैं वो एट नाइट टाइम पे इवेंट हो रहे होते हैं इसीलिए इसको मिड समर नाइट ड्रीम बोला गया है इसी को एक्सप्लेन करना है नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट ऑन प्ले विद इन द प्ले ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले विद इन द प्ले मीन्स व्हाट कि ये खुद एक प्ले है अ मिड समर नाइट स्ट्रीम इज अ प्ले इसी के अंदर जो इसके करेक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो टेलिंग स्टोरी और ड्रीमी स्टोरी सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द प्ले विद इन द प्ले उन इवेंट्स को आपको एलिबोरेट करना होगा जहाँ पे इन चीज़ों को मेंशन किया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड नो द एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी इन मिड समर नाइट स्ट्रीम सो फैंटेसी के एलिमेंट्स को एलाबोरेट करना है विद द हेल्प ऑफ देयर करेक्टर्स एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इट मीन्स दैट यू हैवेंट कम्प्लीट दैट पर्टिकुलर ड्रामा सो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर दिस ड्रामा आप वाइल गोइंग टू प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट में जाइए आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मिट समर नाइट ड्रीम सो वहाँ से जब आपको स्टोरी माइंड या जो ड्रामा की लाइन्स है जो उसकी स्टोरी है वो आपके माइंड में चलेगी देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट वट यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन और नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मकैनिक द मकैनिकल्स प्ले एन एक्सटेंस प्ले रिलेटेड टू द मेन प्लॉट ऑफ अ मिड समर नाइट स्ट्रीम सो इसमें आपको एलाबोरेट करना है लास्ट क्वेश्चन नंबर फाइव शॉर्ट नॉट ऑन रे कॉमेडी क्योंकि ये कॉमेडी है ये जो प्ले है इसे कॉमेडी प्ले इसको इस तरीके से शेक्सपियर ने अरेंज uh, किया है कि ये लोगों को क्या करता है हंसाता है गिव्स प्लाइर व्हेन दे रीड तो ये इसको एलाबोरेट करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स है कमेंट द यूज़ ऑफ द प्ले विद इन द प्ले इन मिड मिड नाइट स्ट्रीम

How does Shakespeare alter the romantic comedy formula in a Midsummer Night's Dream So here you have to elaborate the complete summary of the play A Midsummer Night's Dream because

जो उनका मूड चेंज हो रहा है या फिर वो किसी और को लाइक like करने लग जाते हैं जो इसमें फैंटिसी वाला एलिमेंट्स हैं उनको जब आप एलेबोरेट करेंगे तो वो क्या प्रेजेंट करेगा वो एक कॉमिक फार्मूला प्रेजेंट करेगा तो इस तरीके से इसके कितने हमने डील कर लिए हैं इसके हमने दो ब्लॉक्स डील कर लिए हैं अब हमें करना है ब्लॉक नंबर थ्री ब्लॉक नंबर थ्री जो प्ले है उसका नाम है हेमलेट एंड द प्ले हेमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर अगेन इसको शेक्सपियर जी ने ही लिखा है इसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं कमेंट ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम ऑफ रिवेंज इन हैमलेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पर मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी कि जो हैमलेट से मैक्सिमम टाइम और यू कैन से नाइन्टी परसेंट जो एक क्वेश्चन आज किया जाता है वो यही है सिग्निफिकेंस ऑफ थीम एंड रिवेंज कि हेमलेट में किस तरीके से रिवेंज को प्रेजेंट किया गया है और उसके उसका जो थीम है वो किस तरीके से है एंड हाउ डू द वेरियस करेक्टर्स इन द प्ले रिस्पॉन्ड टू द ऑफ द रिवेंज कि किस किस तरीके से दूसरे दूसरे करेक्टर्स ने इसके साथ क्या किया है कम्पीट किया है अपने आप को एक्सप्रेस किया है वो चीज इसके अंदर आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है हाउ डू हैमलेट लेट्स कंट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्ले क्वेश्चन नंबर थर्ड है शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट लिखना है क्वेश्चन फोर है सिग्निफिकेंस बतानी है क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर टू इज सेम अगर आप देखेंगे तो इनका जो आंसर है वो सेम ही होगा क्वेश्चन नंबर फाइव hamlet as a revenge play this is very 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 important because revenge play and the question number one uh, both are the same but uh, the statement of the question are different like question number one is comment on the nature and significance of the themes of the revenge but here question number five discuss hamlet as a revenge play now question number six claudius rather than the hamlet is a protagonist of the play do you agree so if you are agree then give uh, justify your answer in the favor of agree and if you are not angry agree then Justify your answer according to it. So it's totally depend on you whether you are writing uh, answer in the protest of agreement or in the protest of disagreement. So we have uh, completed block number one, block and unit number one, block and unit number two, and block and unit number three. So I called it block and unit both because some students called unit and some students called block. So Hamlet Kaliya hai amid someone night dream kar liya hai, and डॉक्टर फॉस्टेस वी हैव कम्प्लीटेड डॉक्टर फॉस्टेस को क्रिस्टोफर मार्लो जी ने लिखा है बाकी के दोनों प्लेस अमिट समर नाइट ड्रीम एंड हैमलेट बोथ आर रिटन बाय शेक्सपियर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आंटी इसको कवर कर लीजिए कंप्लीट कर लीजिए और एक गेस्ट पेपर आपके लिए प्रेजेंट हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल